हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे आपकी इंडिया से, पाकिस्तान से या नेपाल से कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें उसके लिए ये वीडियो है कि उसमें क्या चीज़ का ध्यान देना। क्योंकि मेरा भाई 2 दिन पहले आया है, 2 3 दिन पहले आया है, जो कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा हो सकता है। मालूम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था, लेकिन क्योंकि जब वो एयरपोर्ट पे, पहले तो बात डॉक्यूमेंट्स अपना इकट्ठा कर लीजिएगा, वीज़ा, रिटर्न टिकट, रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटर्न टिकट इमिग्रेशन पे ज़रूर आपसे देख पूछा जाएगा, मांगा जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वीज़ा कॉपी, कोरोना टेस्ट, 48 आवर्स से पहले आपको कोरोना टेस्ट करा लेना है, ठीक है ना। 48 आवर्स मतलब जब भी टिकट आपका फ्लाइट हो, उसके ऐसा कराइएगा कि 8 से 10 घंटे पहले रिपोर्ट आ जरूर जाए, ठीक। और फिर क्या बोलते हैं कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, वीज़ा, पासपोर्ट सब कॉपी लेके, ठीक है, कोरोना टेस्ट लेके आपकी एंट्री हो जाएगी एयरपोर्ट के अंदर। फिर आपका आएगा रैपिड PCR टेस्ट, कोरोना टेस्ट जो एयरपोर्ट पे ही होता है। वहाँ बाहर जो आपका जो भी चार्ज लगेगा, वो तो प्राइवेट हो गवर्नमेंट, जिसने भी जो लेना वो ले लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 3,500 से 4,000 के बीच में आपका ये चार्ज करेगा। मेरा भाई लखनऊ से आया था, बेसिकली मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ से मतलब आप कहीं से भी आ रहे हो, इन बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। इन बात इसको वीडियो को पूरा देखिएगा कि आप क्या प्रॉब्लम उसको आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो, तो कहिए कि किसी और ने हेल्प कर दी, जो भी अपने भाई थे, अपने गाँव के थे, अपने अपने पिंड के थे, रहने वाले थे, तो उन्होंने हेल्प कर दी। और मैंने कैसे नहीं किया, ये भी बताता हूँ। मैंने की, पर बाद में मैंने भेजा वो चीज़ कि क्या बोलते हैं कि वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो उसने रैपिड PCR टेस्ट करने के लिए बोला, तो वहाँ पे जब गया तो उससे इमरट्स आईडी मांगा। मैंने सोचा था इमरट्स आईडी भेज दूंगा, लेकिन मैं ध्यान से उतर गया था और मैं भेज नहीं पाया था। और मेरी नाइट ड्यूटी थी, मैं नाइट ड्यूटी करके आया था, उसका फिर मैं दिन भर इधर क्या बोलते हैं जगह रहा, उधर उसके लिए रूम देखा मैंने, क्योंकि मैं अलग सिटी में रहता हूँ, मैं अबू धाबी में रहता हूँ, उसको दुबई में रखना था, तो मैंने उसके लिए रूम देखा। तो रात भर, दिन भर मैं मतलब इधर उधर दौड़ता रहा, तो रात में भी जगा था, दिन में भी जगा था, इसलिए मुझे ऐसी नींद आ गई। जब रूम लेने के बाद वहीं पर मैं सो गया। एयरपोर्ट पर इसको एंट्री करवा दी थी मैंने, मैंने सोचा अब तो एंट्री हो गई, आ ही जाएगा, ठीक। लेकिन वहाँ पे इमरट्स आईडी मंगाया, मेरे को बहुत फ़ोन आया, लेकिन मेरा मोबाइल साइलेंट था, मुझे पता ही नहीं चला। तो उन्होंने किसी और भाई को, जो मेरे गांव के ही थे, उनको फ़ोन किया, उन्होंने इमरजेंसी आईडी तुरंत भेजी उसको, तब जाके उसने इमरजेंसी आईडी दिखाई, तब जाके उसका रैपिड PCR टेस्ट हुआ, वरना रैपिड PCR टेस्ट नहीं हो रहा था। अगर वो टेस्ट ना होता तो उनकी फ़्लाइट भी छूट जाती, फ्लाइट छूट जाती, फ़्लाइट का सारा फेयर ख़राब हो जाता, उनका वीज़ा तो रहता, बाद में फ़्लाइट लेके आ जाते, लेकिन सारा नुकसान हो जाता, ठीक है। तो इमरजेंसी आईडी ज़रूर, मे भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद उनके पास होटल बुकिंग ना हो, इसलिए उसने ऐसा किया हो। मैंने उस पर पूछा नहीं था, लेकिन इमरट्स आईडी ज़रूर है, क्योंकि इमरट्स आईडी मांग रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे रैपिड PCR टेस्ट की। आपका जान पहचान का कौन, आप कहाँ जा रहे हो, किससे किसके पास जा रहे हो। अगर आप कहोगे कि मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ, मैं इनके पास जा रहा हूँ, तो उसका इमरट्स आईडी लेना ज़रूरी है, ज़रूर रख लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी का, जो आपके जान पहचान का हो, जिससे आप बात भी करा सको, ठीक है ना। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर इमिग्रेशन पे आपका रैपिड PCR टेस्ट हो जाएगा, फिर इमिग्रेशन पे जाइएगा, इमिग्रेशन पे टिकट, वीज़ा, कॉपी सब देखेगा, आपसे पूछेगा क्या करने जा रहे हो। तो आप, नॉर्मल सी बात है, टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, तो घूमने ही जा रहे हैं, जॉब ढूंढने नहीं जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जॉब ढूंढने नहीं जा रहे हैं। वो आप क्या करने जा रहे हो वो आपकी मर्जी। इमिग्रेशन है, वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, दुबई को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बुर्ज खलीफा घूमने जा रहे हैं, डिजर्ट सफारी घूमने जा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अपने अगर होटल बुकिंग है तो होटल बुकिंग दिखा दीजिएगा, भाई है तो भाई जान पहचान का दिखा दीजिएगा, मेरी साड़ी दिखा दीजिएगा, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, मैं उसके पास रहूँगा, और बस इतना काफ़ी है। उसके बाद एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, एयरपोर्ट पे 1 2 3 तीन टर्मिनल हैं, तीनों टर्मिनल में 1 और 2 पे 1 और 3 पे मेट्रो है, 2 पे मेट्रो नहीं है, इसलिए अगर 2 पे उतरेंगे तो बस मिलेगी, टैक्सी तीनों पे मिलेगी, बस मिलेगी। आप सोचोगे बस से चले जाए, तो बिना कार्ड के, मेट्रो कार्ड के बस में भी आप बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। तो बस कोई भी अगर जान पहचान का आ रहा हो 2 पे, या 2 पे आपकी फ्लाइट उतर रही है, तो उससे बोल दिएगा मेट्रो कार्ड बना के, साथ में 20 से 25 दिरहम में बनेगा, बना के लेके चला आएगा, ठीक है। और 1 और 2 पे आ रही, तो आप सीधे खुद आप मेट्रो पे चले जाइएगा, वहाँ आप अगर अकेले हैं, उसे कार्ड बोलेंगे, मैम से या सर से जो भी वहाँ पे बैठेंगे,
वो आप मशीन से, तो मशीन से बना लीजिएगा, वो कार्ड आपको बना के तुरंत दे देगा, बन के निकल आएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपना मेट्रो से वहाँ से डायरेक्ट रेड लाइन चलती है एयरपोर्ट से, कहीं भी रेड लाइन मतलब जबेल अली तक, यूई एक्सचेंज तक, दुबई एक्सपो तक, वही लाइन आपको जाएगी रेड लाइन, वहीं से एयरपोर्ट से बुर्जमान और यूनियन पे एक्सचेंज होता है। तो आपको अगर इधर कहीं डेरा में जाना है तो आपको यूनियन पे उतरना पड़ेगा, ठीक है ना। वो भी रेड लाइन, सीधा रेड लाइन का है, कहीं भी चेंज नहीं करना, यूनियन पे उतर जाएंगे, डेरा पे आप कहीं भी जा सकते हैं। और उधर जाना तो गोल्ड सूप, मतलब आप खुद उसमें देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में इमरेट्स आई डी, मेरा मेन फोकस यही था कि आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी का इमरेट्स आई डी ज़रूर रख लेना, क्योंकि आ रहे हो वहाँ पे एयरपोर्ट पे, आप उस टाइम किसी को फ़ोन समझ में नहीं आएगा, किसको करूँ, किससे बात करूँ, किसको करूँ, कन्फ्यूज रहेंगे, उसी में आपका फ़्लाइट मिस हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पहले से ही, आप डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं पहले से रख लीजिएगा, कि वहाँ पे होने के बाद ना कुछ दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ जेनुइन होता है, छोटी सी वीडियो होती है, पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो में जेनुइन बातें होती है, ऐसा नहीं है कोई फालतू की बातें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्ट है वही मैं बताता हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी किया करिए जो आने वाला हो, जैसे जॉब्स की वीडियो, जो जॉब सर्च कर रहा हो तो उसके ग्रुप में उसको व्हाट्सअप किया करिए, या कहीं से भी आप उसे सर्च उसे शेयर किया करिए। और क्या बोलते हैं कि थैंक यू फॉर।